हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डेली विंटर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। फ्रेंड्स, विंटर में हमारी स्किन ज्यादा ड्राई, रूखे सूखे और बेजान बन जाती है, इसीलिए इस समय स्किन की ज्यादा देखभाल करने की जरूरत होती है। इसीलिए आज मैं आपको विंटर सीजन में अपनी स्किन को गोरी, निखरी और चमकदार रखने के लिए कुछ इजी स्टेप दिखाऊंगी। अगर आप इस स्टेप को डेली नाइट टाइम में फॉलो करेंगे तो आपके स्किन विंटर सीजन में भी गोरी, निखरी और खूबसूरत रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे आप हमारे सभी फायदेमंद वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्लींजिंग से स्टार्ट करूंगी, पर इसके पहले अगर आपकी स्किन पर मेकअप होती है तो उसे रिमूव करना बहुत जरूरी है। स्किन से मेकअप रिमूव करने के लिए एक कॉटन पैड में थोड़ा सा बेबी ऑयल ले लीजिए। मैं यहाँ पर जॉनसन बेबी ऑयल यूज कर रही हूँ। अब मैं अपनी स्किन पर थोड़ा सा मेकअप लगा लेती हूँ, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ ये ऑयल कितनी आसानी से स्किन से मेकअप को रिमूव करती है। तो आप देख सकते हैं इस बेबी ऑयल की मदद से मेरी स्किन से सारे मेकअप कितनी आसानी से रिमूव हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए एक बोल में 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क में 1 टेबलस्पून रोज वाटर लेकर अच्छे से मिला लीजिए। अब एक कॉटन बॉल को इस मिक्सचर में डिप करके अपने स्किन को ऐसे क्लीन कर लीजिए। अच्छे से क्लीन करने के बाद अपनी स्किन को ठंडे पानी से धो लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबर बनाने के लिए एक ग्राइंडर में थोड़ा सा मसूर दाल ले लीजिए और फिर इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लीजिए। मैं इस मसूर दाल के पाउडर को ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसे एक महीने के लिए एक क्लीन कंटेनर में स्टोर कर लिया है। इससे हमें इसे हर रोज बनाने का जरूरत नहीं होगा। अब एक बोल में 2 टेबलस्पून मसूर दाल के पाउडर ले लीजिए और फिर इसमें 2 टेबलस्पून कर्ड यानी कि दही लेकर अच्छे से मिला लीजिए। तो हमारा स्क्रब रेडी है। अब इस स्क्रब से अपने फेस और लिप्स को सर्कुलर मोशन पे जेंटली रब कीजिए 5 मिनट तक। एक बात जरूर ध्यान रखें, आपको स्क्रब बस वीक में 2 ही बार करना है। वीक में 2 बार से ज्यादा स्क्रब बिल्कुल भी मत कीजिए और 5 मिनट बाद ठंडे पानी से स्किन को धो लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है टोनिंग। टोनिंग करने के लिए मैं यहाँ पर VLCC के रोज वाटर टोनर को यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, सच में ये एक अमेजिंग टोनर है। तो अब एक कॉटन पैड में थोड़ा सा रोज वाटर ले लीजिए और इसे ऐसे डब करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, टोनिंग करने से स्किन की पीएच बैलेंस मेंटेन होती है, स्किन हाइड्रेट रहती है और स्किन टोन ब्राइट बनती है। लास्ट स्टेप है स्किन मॉइस्चराइजिंग। विंटर सीजन में मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर को यूज करती हूँ। आप चाहे तो अपनी स्किन टाइप के नाइट क्रीम को भी यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर लेकर ऐसे अपने फेस पर जेंटली मसाज करते हुए अप्लाई कर लीजिए। अब बारी है लिप्स को मॉइस्चराइज करना। इसके लिए मैं अपने होममेड लिप्स मॉइस्चराइजर को यूज कर रही हूँ। अगर आप इस होममेड लिप्स मॉइस्चराइजर को बनाना नहीं देखा है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है। इसके बाद अगर आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स है तो आप अंडर आई डार्क सर्कल्स रिमूविंग क्रीम यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने होममेड अंडर आई डार्क सर्कल्स रिड्यूसिंग जेल को यूज कर रही हूँ, जो काफी इफेक्टिव है डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के लिए। अगर आप इस अंडर आई डार्क सर्कल्स रिड्यूसिंग जेल बनाने का वीडियो देखना चाहते हैं,
तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए है, आप इसे प्लीज चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरी सिंपल सी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। अगर आप इस नाइट टाइम रूटीन को विंटर में डेली रात को सोने से पहले फॉलो करेंगे तो आपको विंटर सीजन में भी एक फ्लॉलेस, फेयर, ब्राइट और रेडियंट स्किन मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।